नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेष राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। फरवरी 2017 मेष राशि का कैसा जाएगा, आइए बात करते हैं। लग्नेश द्वादश में बैठे हुए हैं, ये महीना थोड़ा आपका खर्चे का है तो अपने खर्चों में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। द्वितीय शुक्र वो भी द्वादश बैठे हुए हैं तो आपका कोई भी जमा हुआ पैसा या बैंक बैलेंस में से खर्चा हो सकता है, इसलिए खर्चों को बहुत सावधानी से खर्च करें। पंचम भाव में राहु विराजमान है, संतान को लेकर थोड़ी सी आपकी चिंता बढ़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो या उनका पढ़ाई लिखाई में परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो। छठे भाव में बृहस्पति विराजमान है, कार्य क्षेत्र में काफी प्रेशर रहेगा लेकिन आपको अपना काम बड़े ध्यान से करना है। किसी भी ऐसे मैटर में इन्वॉल्व ना हो जिससे आप अपना टेम्पर लूज करें और कोशिश कीजिए कि चुपचाप अपने काम पे ध्यान दें, इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, ऐसा हो सकता है कि आप अपने धर्मपत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, छुट्टी का मूड बना हुआ है, घूमने का मूड बना हुआ है, आप कहीं भी बाहर से घूम के आ सकते हैं। भाग्य भाव में शनि और बुध विराजमान है, किस्मत अभी लगभग अच्छा दिखा रहा है, आप जो काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे। दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, सरकार से लाभ या फिर आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां किसी सीनियर अथॉरिटी से आपको प्रमोशन मिल सकता है। एकादश भाव में केतु, इनकम लगभग ठीक ठाक ही रहेंगे, कोई फटका इनकम हो सकता है, जुआ सट्टा या शेयर मार्केट में एक झटका इनकम आ सकता है। और द्वादश भाव में मंगल शुक्र चंद्र बैठे हुए हैं तो ये खर्चे का स्थान है, बाहर घूमने का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है, तो यहाँ पर विदेश यात्रा बनी हुई है, साथ में खर्चे भी बहुत होंगे। तो अगर आप कहीं हॉलीडे मनाने के मूड में हैं तो जा सकते हैं, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो फरवरी 2017 एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।